नमस्कार आदाब आप सत श्रीकाल सुप्रभात एक बार फिर से आ चुके हैं हम लाइव मैं व्यास आपका आर एस आर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं वंदन करता हूं अभिनंदन करता हूं आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं गेम्स यानी खेल कूद के बारे में जिसका आपको इंतजार था कि सर स्टेटिक जी कब से स्टार्ट होगा मोस्ट ऑफ द स्टैटिक जीके आपको जीके जीएस में ही कवर करवाया जा चुका है कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि जीके जीएस से थोड़े से अलग दिखाई देते हैं उन चीज़ों को भी हम आगे लेकर चलेंगे आज गेम्स के बारे में चर्चा करेंगे खेल कूदों के बारे में चर्चा करेंगे अब खेल कूद की बात की जाए तो एक ह्यूमन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो या फिर फिजिकल डेवलपमेंट हो इसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है हमारी फ़िजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी अगर बात की जाए तो मन लगाकर करने के दौरान सबसे अच्छा मन कहाँ लगता है खेलों में लगता है और खेल खेलते ही हम क्या करते हैं सारी की सारी फिजिकल एक्टिविटी को उसके जरिए कर लेते हैं और करने के बाद ही हमें एक तरोताजा एहसास अनुभव होता है जय हिंद बेटा जय हिंद नमस्कार 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 जय हिंद जय हिंद जय हिंद चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को गेम्स के जरिए खेल कूदों के जरिए स्टार्ट किया जाएगा लेकिन खेल कूदों में भी जो खेल का महाकुंभ कहा जाता है जैसे अपने यहाँ कुंभ लगते हैं ना साधु संन्यासियों के लिए उसी टाइप से खेल का महाकुंभ यहाँ पर के सारे के सारे विश्व के देश मिलकर आपस में प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि जो बॉर्डर से हमारे दिलों में मन में जो दूरियां बढ़ी हैं जो हमारे अंदर सेपरेशन की भावना डेवलप हुई है वो सेपरेशन की जो भावना है वो कम हो सके एक दूसरे से हम मिल सकें एक दूसरे के बारे में जान सकें और पता पड़ेगा अरे यार ये तो अपन फालतू तो ही सोचते थे ऐसे तो है ही नहीं तो इसके कारण खेल कूदों का महत्व तो और बढ़ जाता है स्पेशली अगर कहा जाए तो यूरोप में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज क्वान्टिटी में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति दुश्मनी की भावना बढ़ी तो वहाँ पर खेल कूदों को यानी कि गेम्स को प्रोत्साहित किया गया मोटिवेट किया गया और इसके ज़रिए दो देश आपस में पास पास आना चालू हो गए आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान जब क्रिकेट की बात आती है तो उसी ड्यूरेशन में हमें देखने को मिलता है कि भैया इंडिया पाकिस्तान वाले रीज़न में जैसे ही गेम्स बंद किए जाते हैं वैसे ही दोनों देशों के अथॉरिटीज़ बीसीसीआई और पीसीबी पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं खेलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए जिससे एक रास्ता खुला रहे बातचीत का है ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को गेम्स के दौरान इसी से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जीके जीएस के आपके लिए ओवरऑल दो कॉन्सेप्ट क्लास को अरेंज किया गया है एक तो मॉर्निंग में सिक्स ए एम पर चलती है जो कि अभी आपके सामने चल रही है एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी कोस्ट गार्ड एस एस सी इसके अलावा अगर बात की जाए तो रेलवे साथ साथ में स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मॉर्निंग में सिक्स ए वाली और इसकी प्रैक्टिस दोपहर में एक बजे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर कराई जाती है वहीं पर शाम को छ बजे एनडीए स्पेशल क्लास को अरेंज किया गया है जिसमें कि यूपीएससी लेवल के कॉन्सेप्ट लेवल से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस दोपहर में बारह से एक बजे आपको इंडिया एप्लीकेशन पर कराई जाती है गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग साथ साथ में यूपी पुलिस इस के लिए स्पेशल क्लास को अरेंज किया गया है सात से आठ बजे जो कि माइराइजिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर चलती है जिसमें कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस दोनों की दोनों चीजें कवर करवाई जाती हैं इसके अलावा टीम क्या तैयारी कर रही है आपके लिए क्या नए नए प्लान्स लेकर आ रही है उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी लेकिन टेलीग्राम पर जाकर सर्च क्या करना है टीम स्पेस आर एस सर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जिससे कि सारी की सारी अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे और कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए प्रैक्टिस के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर जाकर सर्च कीजिए कि माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे ओपन करोगे कृष्णा लाइव कृष्णा पी दो बैचेस दिखाई देंगे कृष्णा पी बैच में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मटेरियल आपके लिए अपलोड कर दिया जाता है और जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो दस पंद्रह मिनट में रिवाइज़ करो दस पंद्रह मिनट में रिवाइज करो और रिवाइज करने के बाद तुरंत कूद पड़ो कहाँ पर कृष्णा लाइव बैच में कृष्णा लाइव बैच में आकर वहाँ पर दोपहर में एक बजे उसकी प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल चीज़ों को कंठस्थ कर लीजिए अंदर बैठा लीजिए चलिए इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत रह जाए कोई समस्या रह जाए कोई परेशानी रह जाए किसी भी कॉन्सेप्ट में तो उस ड्यूरेशन में आप मुझसे सेवन थ्री फाइव डबल सेवन डबल जीरो फोर जीरो नाइन पर मंडे टू सैटरडे सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में नौ से दस बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं हाँ बेटा बैच ले लो तो ठीक चलेगा इसके अलावा अगर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर एट डबल जीरो फाइव डबल सिक्स वन एट फोर जीरो पर कॉल करके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को किससे स्टार्ट किया जाएगा ओलंपिक गेम से स्टार्ट किया जाएगा देखिए ओलंपिक गेम्स का जो करेंट का पोर्शन है वो तो सारी की सारी चीज़ें आपको बी सर के जरिए करवाई जा रही हैं मैं स्टेटिक जी की क्या हिस्ट्री रही है किस तरीके से उसे इंट्रोड्यूस किया गया था वो सारी की सारी चीजें आपके सामने लेकर आऊँगा और उनसे बी एस सर की क्लास को और एड कीजिएगा और करेंट वाले सेशन को कवर करते हुए पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए सर अभी वेज ले लो तो कब तक वैलिडिटी रहेगी बेटा इसके लिए आप मुझे कॉल कीजिएगा अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे सेवन थ्री फाइव डबल सेवन डबल जीरो फोर जीरो नाइन पर ओके बढ़ते हैं ओलंपिक गेम्स ओलंपिक खेलों की चर्चा की जाए तो पूरे विश्व के सारे के सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं एक जगह हुआ करती थी यूरोप में जिसका नाम हुआ करता था ग्रीस या यूनान एंशियन टाइम की बात है प्राचीन काल की बात है ग्रीस या यूनान में ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई वहां पर एक पर्वत है ओलंपस ओलंपस पर्वत को बहुत ही पवित्र पर्वत माना जाता है बहुत ही होली माउंटेन माना जाता है और वहां पर माना जाता है कि उनके जो देवता हैं ज्यूस वो निवास करते हैं उन्हीं के सम्मान में खेलों की शुरुआत हुई ओलंपस पर्वत के नाम पर ही इन खेलों का नाम क्या रखा गया ओलंपिक खेल रखा गया है ना और आज वर्तमान में ये ओलंपिक खेल ओलंपिक गेम्स इतने डेवलप हो चुके हैं इतने मैच्योर हो चुके हैं कि जो भी ओलंपिक में मेडल लेकर आता है उसका एक अलग ही रुतबा एक अलग ही हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं ओके बढ़ते हैं पहली चीज ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब एशियन टाइम पर हुई थी 1776 में मैंने कहा था एनशियन टाइम पर सत्रह में हुई थी यूनान में ओलंपस माउंटेन और यूनानी देवता के नाम पर इनका नाम क्या रखा गया इस खेलों का ओलंपिक गेम्स रखा गया ठीक तो वही चीज़ बताई कि शुरुआत कब हुई इसकी 1776 में 1776 में ओलंपस पर्वत पर यूनानी देवता ओलंपस के सम्मान में इसका नाम ओलंपिक रखा गया नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला ओलंपिक आधुनिक खेलों की अब देखिए सेवनटीन में तो इनिशिएट हो गए थे स्टार्ट हो गए थे स्टार्ट होने के दौरान वर्तमान में मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत हमारे पास 1886 से, अच्छा 19 सिक्स गया है सॉरी छिया से हुई कब से मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1886 में फ्रेंस के बैरन कुरविथन के प्रयास से हुई एथेंस के यूनान में है ना तो एथेंस के यूनान में इसके मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी एथेंस यूनान यानी ग्रीक में हमें देखने को मिलता है फ्रांस के बैरन कुरबीतियन को क्या माना जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों का फादर माना जाता है ध्यान रखना फ्रांस के थे बैरन कुवर्तिन बैरन कुवर्तिन को क्या माना जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों का फादर माना जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है बैरन कुवर्तिन को तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का जो फादर है कौन है बैरन कुवर्तिन देखने को मिलते हैं नेक्स्ट देखें ओलंपिक ध्वज अब देखिए ओलंपिक गेम में तो इसमें दो चीजें आती है एक तो झंडा आता है ध्वज आता है और दूसरा इसकी मशाल आती है बैटन आता है बैटन कहते हैं मशाल को और झंडा आता है झंडा में अगर कहा जाए तो अलग अलग चक्र दिखाई देते हैं अलग अलग साइकल्स दिखाई देते हैं अलग अलग चक्र या साइकल्स के दौरान अगर बोला जाए तो इसी ड्यूरेशन में यह देखा जाता है कि हर चक्र एक अलग ही महाद्वीप को डिनोट करता है होने को तो हमारे पास टोटल सात महाद्वीप है लेकिन पांच चक्र हमें इसमें दिखाई देते हैं पांच साइकिल दिखाई देते हैं अलग अलग रंग है रेड है ब्लू है ब्लैक है ग्रीन है वाइट है ये अलग अलग कलर के हमें ध्वज दिख, चक्र दिखाई देते हैं साथ साथ में मशाल बेटन दिखाई देती है अब बात की जाए कि ध्वज के बारे में बात की जाए तो ध्वज के बारे में देखा जाता है कि सबसे पहले एटवर्ड ओलंपिक 1920 में एटवर्ड ओलंपिक में इसे फहराया गया था 1920 में पहली बार 1920 में सबसे पहली बार ओलंपिक का जो ध्वज था जो झंडा था जो फ्लैग था उसे फहराया गया था लेकिन 1920 में फहराने के दौरान ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप लेकर गए कि यह फलाना झंडा है और यह ओलंपिक का झंडा है फहरा दो इसे पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती होगी तो उसी प्रिपरेशन के दौरान जब इसको तैयार किया गया तो तैयार करने के ड्यूरेशन में ही 1913 में, 1913 में, में इसे क्या मिली थी, मान्यता मिल चुकी थी और उसके बाद एडबर्ट ओलंपिक में क्या किया गया था इसे पहली बार फहराया गया था द ओलंपिक फ्लैग वॉज फर्स्ट फ्लॉन एट एंटवर्ट ओलंपिक बट इट वॉज रिकॉग्नाइज ऑनलाइन 1930, 1913 में इसे मान्यता मिल चुकी थी और 1920 में इसे फहराया गया था क्लियर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी ड्यूरेशन में इस झंडे मैंने कहा था कि पांच रंग के हमें चक्र दिखाई देते हैं कौन कौन से एक तो ब्लू आ जाता है नीला आ जाता है अगला क्या आ जाता है ब्लैक आ जाता है काला आ जाता है नेक्स्ट रेड आ जाता है रेड के अलावा अगर बात की जाए तो येलो आ जाता है येलो और येलो के अलावा अगर बात की जाए तो हमारे पास ग्रीन आ जाता है ठीक कौन कौन से हैं ब्लू ब्लैक रेड येलो और ग्रीन ये पांच तरीके के कलर हमें इसके राष्ट्रीय ध्वज में या इसके गेम्स में दिखाई देते हैं अब बात की जाए कि ये अलग अलग कलर हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट को शो करते हैं जैसे सात महाद्वीप है हमारे पास तो उन सात महाद्वीपों में से हर कॉन्टिनेंट को एक कलर से डिनोट किया गया है जैसे कि अगर बात की जाए तो पांच चक्र दिखाई देते हैं प्रत्येक में क्या है पीला है हरा है लाल है काला है, है ना और नीला है ये पांच चक्र हैं जिसमें सबसे पहली अगर बात कर लिया है तो लाल चक्र किसको दिखाई देता है रेड कलर किसके लिए है अमेरिका के लिए है रेड कलर किसके लिए है भैया अमेरिका के लिए ठीक अमेरिका बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज में इसका नाम आता है पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंट है और डोमिनेंट होने के दौरान ही पावर का जो साइन होता है वो रेड होता है न्याय का प्रतीक इसके अलावा अगर बात की जाए तो फ्लैग व्हाइट कलर का होता है सही कह रहे हैं क्लियर तो पावर का साइन रेड होता है अमेरिका को क्या नाम रंग दिया गया रेड दिया गया आगे बढ़ते हैं येलो येलो एशिया के लिए है येलो किसके लिए है एशिया के लिए येलो कलर एशिया के लिए रेड कलर अमेरिका के लिए रेड एशिया येलो एशिया रेड अमेरिका ब्लू के बारे में बात की जाए तो ब्लू किसके लिए हमारे पास यूरोप के लिए ब्लू कलर किसके लिए है यूरोप के लिए इसके साथ साथ ब्लैक कलर किसके लिए है अफ्रीका के लिए ब्लैक किसके लिए है किस अफ्रीका के लिए अब बचा कौन सा सर बोला सर रेड हो गया है येलो हो गया है ब्लू हो गया है ब्लैक हो गया है सर बचा है हमारे पास एक ग्रीन अब ग्रीन किसके लिए है बोला सर ऑस्ट्रेलिया बचा है इसे ही लगा दो है ना तो ये पांच कलर हमें दिखाई देते हैं जिसमें रेड अमेरिका के लिए है इसमें नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों ही काउंट हो जाते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों ही हमारे पास काउंट हो जाते हैं क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर अगला चलने के दौरान नेक्स्ट चलते हैं आगे चलें है तो आगे चलने के दौरान अगर बात की जाए तो ओलंपिक की मशाल मशाल के बारे में ओलंपिक की मशाल के बारे में बात की जाए तो इसका जो साइन लिया गया है या तो इसका जो हाइपोथेसिस लिया गया है वो लिया गया है सन से सूर्य का प्रतीक माना जाता है है ना सूर्य का प्रतीक माना जाता है अब सूर्य के प्रतीक के बारे में बात की जाए तो जैसे सूरज में से किरणें निकलती है ना सनरेज निकलती हैं वैसे ही सेम वैसे ही हमारे पास ओलंपिक का जो मसाल है वो भी माना जाता है कि जब देश एक दूसरे के आस पास पास आएंगे तो क्या होगा उनके बीच में जो अग्रेसिवनेस है जो ब्लैक पावर है या फिर कहा जाए तो जो भेदभाव है वो समाप्त होगा और बिल्कुल उस तरीके से व्यक्ति आसपास मिलेंगे जैसे कि सूर्य के प्रकाश की रोशनी में मिलते हैं तो ओलंपिक की मशाल सूर्य की किरणों से प्रज्वलित प्रज्वलित करने की प्रथा सबसे पहले 1928 में 1928 में स्टार्ट की गई थी कब की गई थी ओलंपिक की मशाल को प्रज्वलित करना या जलाने की प्रथा कब शुरू की गई थी 1928 में नीदरलैंड ओलंपिक में कहाँ पर नीदरलैंड में और नीदरलैंड में एक जगह पड़ती है एमस्टरडम तो 1928 में ओलंपिक की मशाल को जलाने की प्रथा शुरू की गई एमस्टरडम में नीदरलैंड में नीदरलैंड में शुरू की गई और उसके बाद ये प्रथा बिल्कुल उसी तरीके से चलती रही जहाँ भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला होता है वहां पर इसे मशाल को पहुंचा दिया जाता है और एक आदमी होता है जो सबसे पहले इस मशाल को लेकर जाता है और जाने के दौरान वहां पर एक बड़ी मशाल वहां पर लगी रहती है उसे क्या करता है जलाता है और पूरे राउंड के चक ग्राउंड के चक्कर लगवाए जाते हैं इस मशाल को लेकर और पीछे पीछे बाकी की जो कंट्रीयां हैं वो कंट्रिया भी अपने अपने फ्लैग और अपनी अपनी टीम के साथ इस मशाल के पीछे क्या करती हैं चलती हैं जो कि एक तरीके से वर्ल्ड यूनिटी के साइन को रिप्रेजेंट करती हैं वैश्विक एकता को प्रेजेंट करती हैं क्लियर ओके okay, नेक्स्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं ओलंपिक ज्योति का यानी कि जो मशाल शुरू की गई थी वो 1928 में एमस्टर्डम नीदरलैंड में लेकिन आज जिस रूप में ये दिखाई देती है ये मशाल आज प्रेजेंट में जो दिखाई देती है वो 1936 के जर्मनी के बर्लिन ओलंपिक में इनिशिएट की गई थी 1936 जर्मनी का बर्निन बर्लिन ओलंपिक जिसमें के आज वर्तमान स्वरूप हमें ओलंपिक का दिखाई देता है तो आज प्रेजेंट का ओलंपिक का स्वरूप हमें कहां पर दिखाई देता है बर्लिन ओलंपिक में दिखाई देता है ओलंपिक की जो मशाल है उसका रूप और बर्लिन ओलंपिक कब हुए थे 1936 में हुए थे, 1936 में हुए थे क्लियर तो वर्तमान स्वरूप मशाल का कब 1936 बर्लिन ओलंपिक और इनिशिएट कब किया गया था 1928 में किया गया था एमस्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक में ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर इसका आदर्श मोटो क्या है हर चीज का एक मोटो होता है हर चीज का एक आदर्श वाक्य होता है ठीक तो आदर्श वाक्य के दौरान इसका जो आदर्श वाक्य है वो हमें देखने को मिलता है साइटस फोर्टिस एटलांटिस क्या देखने को मिलता है इसका आदर्श वाक्य क्या देखने को मिलता है लैटिन भाषा में है साइटस एटलांटिस और फोर्टिस क्या है साइटस एटलांटिस और फोर्टिस जो इसका हमें क्या है मोटो देखने को मिलता है आदर्श वाक्य के, के रूप में देखने को मिलता है जिसका अर्थ क्या होता है मीनिंग क्या होता है एटलांटिस का क्या होता है तेज ऊंचा और बलशाली मीनिंग क्या होता है तेज ऊंचा और बलशाली होता है फोर्टिस का मतलब क्या होता है बलशाली साइटस का ऊंचा अटलांटिस का मतलब तेज होता है तो faster higher and powerful is the meaning of cythus atlantis and fortis cythus atlantis और fortis बेसिकली लैटिन भाषा के शब्द हैं जो कि यूनान में हमारे पास देखने को मिलती थी आ गए वेरी गुड वेरी गुड तो साइटस अटलांटिस और फोर्टिस जिसमें तेज बलशाली और ऊंचा शब्द का प्रयोग किया गया है इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ओलंपिक गेम्स में अच्छा लेकर आए तो भैया तेज हो गए फास्टर हो गए रैपिडली चीजों का क्विक डिसीजन ले पाते हो तभी ओलंपिक में आप जीत सकते हो पूरे वर्ल्ड के लेवल पर और आपका कद जो होगा आपका जो कहा जाए तो आपका जो कद होगा पर्सनालिटी होगी सोसाइटी में जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा ऊंचा हो जाएगा और पावरफुल तो हो ही जाओगे जब देश के लिए सेना के देश के लिए मेडल लेकर आओगे तो उस दौरान आपकी पहुंच अच्छी अच्छी जगह बन जाएगी तो क्या कहा जाता है साइटस एटलांटिस और फोर्टिस यानी तेज ऊंचा बलशाली इसका हमें मैन मोटो आदर्श वाक्य के रूप में देखने को मिलता है इसी के बाद अगर बात की जाए इसी के बाद अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हमें जो देखने को मिलती है वो कहां पर देखने को मिलती है आईओसी जो कि सरबोन में देखने को मिलती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सरबोन में देखने को मिलती है और ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है 1894 में अठारह में 1994 हो गया मिस प्रिंट कब अठारह में 1894 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी पेरिस में पेरिस में कहाँ पर सरबॉन में सरबॉन में पेरिस में इसे स्थापित किया गया था और ये है फ्रांस में पेरिस में एक जगह देखने को मिलती है सरबोन वहाँ पर अठारह में 1894 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था एग्जैक्ट अगर डेट भी चाहिए तो मैं बता दूँ ट्वेंटी थर्ड जून तेईस जून अठारह को ओलंपिक कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आई को स्थापित किया गया था फ्रांस के पेरिस में सरबॉन में इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आज वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलता है स्विट्ज़रलैंड के लोसाने में देखने को मिलता है प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है स्विट्जरलैंड के लोसाने में है वहीं पर इस कमेटी को 1894 में अठारह में सरबॉन में पेरिस के फ्रांस के पेरिस में इस्टेब्लिश किया गया था नेक्स्ट चलते हैं ओलंपिक खेलों में महिलाओं का प्रवेश देखिए पहले फीमेल्स नहीं हुआ करती थी पहले मेल ही हुआ करते थे लेकिन फीमेल्स को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया और फीमेल्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1900 हंड्रेड ए डी में उन्नीस सौ ईस्वी में महिलाओं को ओलंपिक खेलों में प्रवेश दिया गया और महिलाओं को ओलंपिक खेलों में प्रवेश देने के दौरान फ्रांस के एक जगह हमें देखने को मिलती है केपेरिस फ्रांस के कैपेरिस में जो सेकंड ओलंपिक खेल हुए थे उसमें फीमेल्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया फ्रांस के कैपेरिस में भी फीमेल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया हाँ बेटा ले सकते हो कोस्टगार्ड में भी खेल से आता है गेम से क्वेश्चन आते हैं ले सकते हैं क्लास ठीक तो फ्रांस के किसमें में 1900 एडी में महिलाओं को फीमेल्स को पहले मेल्स ही रहते थे लेकिन 1900 एडी में फीमेल्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया अब फीमेल्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो नॉर्मली जो देखा जाता था कि भैया महिलाओं को फीमेल्स को माना जाता है कि नहीं एज कंपेयर टू मेल ये क्या है इतनी कैपेबल नहीं होती है ऐसी एक हाइपोथेसिस डेवलप है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है इसी के बाद हमारे पास जो देखने को मिलता है एक ओलंपिक हुआ था सियोल ओलंपिक कौन सा हुआ था सियोल ओलंपिक सियोल ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में छह गोल्ड मेडल जीते थे किसी फीमेल ने जिनका नाम था क्रिस्टीन ऑटो क्या था क्रिस्टीन ऑटो एक ही ओलंपिक में सियोल ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई एक गोल्ड मेडल लाने में तो पसीने छूट जाते हैं हालत खराब हो जाती है वहीं पर एक गोल्ड मेडल लाने में हालत खराब हो जाती है पसीने छूट जाते हैं क्रिस्टीन ने क्या किया एक ही ओलंपिक में क्या किए गोल्ड मेडल जीते छह स्वर्ण पदक जीते दुनिया की आंखें फटी रह गई कि हाउ कैन इट्स पॉसिबल और फिर फीमेल्स का भी इंटरेस्ट बढ़ गया जब महिलाएं भी ओलंपिक में भाग लेने लगी तो महिलाओं का भी इंटरेस्ट बढ़ा मेडल वो भी जीतकर लाने लगी नेक्स्ट चलते हैं इंडिया में ओलंपिक गेम्स भारत में ओलंपिक गेमों की अगर बात की जाए तो देखिए आपने देखा होगा कि भारत ने हॉकी में सबसे ज्यादा काम किया है ओलंपिक में हॉकी में सबसे ज्यादा काम किया है हॉकी में प्लेयर कितने होते हैं टोटल इलेवन प्लेयर होते हैं टोटल इलेवन प्लेयर होते हैं हॉकी में भारत ने आठ गोल्ड जीते हैं ओलंपिक गेम्स में कितने आठ और केवल अभी नहीं जब हमारे पास हम हुआ करते थे ठीक आठ गोल्ड जीते हैं हॉकी ने ओलंपिक में और अभी नहीं जब हम ब्रिटिश इंडिया के अधीन हुआ करते थे उनके अंतर्गत आते थे उनके अंडर में आते थे तब से हम गोल्ड मेडल जीत के लेके आ रहे हैं हालांकि उस टाइम पर हमें ब्रिटिश इंडिया के नाम से इंग्लैंड की तरफ से इंट्रोड्यूस किया जाता था अपनी कोई टीम नहीं हुआ करती थी इसी टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम हुआ करता था नाम तो सुना ही होगा मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद की अगर बात की जाए तो वो उनके खेलने की कला प्रैक्टिस तरीका इस तरीके का हुआ करता था कि जब वो ग्राउंड में खेलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि बॉल उनकी हॉकी स्टिक से चिपक गई है बॉल को बिल्कुल घुमा देते थे ग्राउंड में लगता ही नहीं था कि वो हॉकी खेल रहे ऐसा लगता था जैसे बॉल में बॉल स्टिक से चिपक गई है जहां वो मूव करते थे बॉल उसी तरीके से चलती थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब हमारे पास ओलंपिक गेम चल रहे थे तो हिटलर जैसा व्यक्ति जब देखने आया था जर्मनी उसके विरोध में थी हिटलर जैसे व्यक्ति ने इनकी छड़ी को तीन बार चेक करवाया था मैदान से लेकर बोला कि नहीं ये कोई गड़बड़ करके लाए हैं गड़बड़ करके लाए हैं ठीक बात नहीं है इनकी छड़ी चेक की ये तीन बार छड़ी चेक करवाई थी कुछ नहीं निकला था कला होती है प्रैक्टिस होती है खेलने की ओके okay, चलिए बढ़ते हैं देखते हैं भारत में ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं और गोल्ड मेडल में कितने आठ गोल्ड, गोल्ड मेडल हमें इंडिया के हॉकी में देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे पहले की बात की जाए 1928 में एमस्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता 1932 में लॉस एंजलिस में गोल्ड मेडल जीता 1936 में बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 1948 के लंदन ओलंपिक में इसके अलावा बात की जाए 1952 हेल टू की सिंकी 1956 मेल मेलबर्न 1964 टोकियो 1980 एट्टी मॉस्को क्लियर तो कौन कौन से में जीता है एमस्टरडम से शुरुआत हुई और मॉस्को तक गोल्ड मेडल हम जीतते रहे हैं मेल हॉकी टीम की बात हो रही है फीमेल हॉकी टीम की बात नहीं हो रही है तो कौन कौन सा एमस्टरडम कब हुआ था 1928 में हुआ था जिसमें भारत ने हॉकी में पहली बार गोल्ड मेडल जीता 1928 ट्वेंटी एमस्टरडम इसके बाद बात की जाए तो 1932 लॉस एंजलिस 1928 सौ 1932 एमस्टरडम लॉस एंजलिस 1936 बर्लिन ओलंपिक 1936 का क्या है बर्लिन ओलंपिक है और यही वो ओलंपिक है जिसमें मैं अभी आपको कहानी बता रहा था अभी चीज बता रहा था ठीक यही वो ओलंपिक है जिसमें अभी कहानी बता रहा था हिटलर वाली 1936 का हुआ करता था बर्लिन ओलंपिक नेक्स्ट 1948 लंदन 1928 का क्या है लंदन छप्पन का मेलवर्न चौसठ का टोक्यो और अस्सी का मॉस्को क्लियर इन आठ में गोल्ड मेडल इंडिया ने हॉकी की तरफ से जीता है ओलंपिक गेम्स में इसके बाद बात की जाए 1960 के ओलंपिक में रजत पदक 1960 के ओलंपिक में क्या जीता सिल्वर मेडल और 1972 के ओलंपिक में इंडिया ने क्या जीता ब्रॉन्ज मेडल जीता क्लियर आठ गोल्ड जीत लिए एक सिल्वर जीता है तीन ब्रॉन्ज जीते हैं ये ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस है हॉकी के मामले में और जब इतना मेडल हॉकी में मिला इतने मेडल हॉकी में मिले तो हॉकी में मिलने के बाद ही हमारे राष्ट्रीय खेल को नेशनल गेम को बोला गया कि इंडिया का नेशनल गेम क्या है हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी मान लिया गया क्योंकि हॉकी में अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे थे और खेलों के कंपेयर में और जिसमें हमारी पकड़ होगी उसे ही नेशनल घोषित कर दिया जाता है और उस टाइम पर बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास प्लेयर भी हुआ करते थे हॉकी के हालांकि आज भी हैं लेकिन उस टाइम के कंपेयर की बात की जाए तो उसका दौर कुछ और ही हुआ करता था है ना तो अगर बात की जाए तो 1928 के एमस्टर्डम में बर्लिन में मॉस्को में इंडिया ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीते और सबसे इंटरेस्टिंग बर्लिन ओलंपिक रहा कभी रिकॉर्डिंग मिले बर्लिन ओलंपिक की तो देखिएगा बड़े मजे मजे आते हैं उसको देखने में आगे बढ़ते हैं भारत ने अब तक हॉकी में आठ बार स्वर्ण पदक एक बार रजत पदक एक बार सिल्वर और तीन बार क्या जीता है ब्रॉन्ज मेडल जीते तो इंडिया के ओवरऑल हॉकी में क्या है आठ बार गोल्ड मेडल एक बार सिल्वर मेडल और तीन बार उन्होंने क्या जीता है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं लेकिन क्या हमने केवल और केवल हॉकी में ही सब कुछ किया है क्या हॉकी में ही सब कुछ किया है क्या बोला नहीं सर और भी गेम्स में जैसे नीरज चोपड़ा को देख ले अभी जेवलिन थ्रो में जीते हैं और भी गेम्स में अगर बात की जाए तो भैया सर बोलो और भी गेम्स के बारे में बताओ इंडिया ने क्या क्या किया है तो और गेम्स के बारे में अगर बात कर लें 1996 के अटलांटा ओलंपिक में उन्नीस के अटलांटा ओलंपिक में एक पर्सन देखने को मिलते हैं हमें लियडर थल पेस पेस जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं किसके हैं लियंडर पेस किसके खिलाड़ी हैं टेनिस के खिलाड़ी हैं उन्होंने क्या जीता था ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1996 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लियंडर पेस ने क्या जीता था ब्रॉन्ज मेडल जीता था हॉकी में जीतते जा रहे थे लेकिन अब अलग अलग खेलों में भी इनिशिएट हो गया था और जब अलग अलग खेलों में चीजें बढ़ने लगी तो इंडिया ने भी प्रमोट करना चालू कर दिया और खेलों को। 1996 ओलंपिक, अट्लांट, लियंडर थल पेडर पेस हमें देखने को मिलते हैं टेनिस के खिलाड़ी आपने महेश भूपति लियंडर पेस का नाम सुना होगा दोनों के दोनों हमें टेनिस से देखने को मिलते हैं बड़ी अच्छी जोड़ी देखने को मिलती है और इन्होंने क्या जीता ब्रॉन्ज मेडल जीता बोला सर ब्रॉन्ज थर्ड नंबर पर बोला ब्रॉन्ज भी बड़ा खतरनाक रहता है ऐसी बात नहीं रहती है आगे बढ़ते हैं 1952 के ओलंपिक में ठीक हेलसिंकी ओलंपिक की अगर बात की जाए तो केडी जाधव कौन थे केडी जाधव हेलसिंकी ओलंपिक हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव हमें देखने को मिलते हैं केडी जाधव ने क्या जीता था गोल्ड मेडल जीता था किसमें कुश्ती में हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने गोल्ड मेडल जीता कुश्ती में ठीक नियंडर पेस ने टेनिस में जीता है केडी जाधव हेलसिंकी में गोल्ड मेडल कुश्ती में और उस टाइम पर हमारे पास कुश्ती के अच्छे खासे पहलवान हुआ करते थे जैसे आपने एक नाम सुना होगा गामा पहलवान का गामा पहलवान का नाम सुना होगा बिल्कुल है बेटा ओलंपिक में कुश्ती गामा पहलवान का नाम सुना होगा गामा पहलवान कब हुआ करते थे हमारे पास आजादी के टाइम पर जब इंडिपेंडेंस था उस टाइम पर बहुत फेमस पहलवान हुआ करते थे लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पाकिस्तान चले गए और इसी के बाद कुश्ती के मामले में हमें अगले जो महान व्यक्ति देखने को मिले दारा सिंह दारा सिंह के बारे में तो जानते ही हो रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाया है कुश्ती के मामले में बहुत ज्यादा फेमस देखने को मिलते थे क्लियर तो कुश्ती के मामले में केडी जाधव इसके अलावा लिएंडर थल पेस टेनिस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2000 सिडनी ओलंपिक 2000 सिडनी ओलंपिक की बात की जाए तो एक महिला देखने को मिलती है कर्णम मल्लेश्वरी जो कि भारत की वेट लिफ्टिंग में किसमें वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन वेट उठाया जाता है ऐसे रॉड रहती है इस टाइप से इसमें दोनों साइड वेट रहता है और बीच में से प्लेयर क्या करते हैं उठाते हैं वेट लिफ्टिंग में कलम मल्लेश्वरी ने फिर से क्या जीता ब्रॉन्ज जीता कांस्य पदक जीता तो फर्स्ट ब्रॉन्ज कब मिला 1996 में लिएंडर थलपेस को दूसरा कब मिला 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ठीक अब देखिएगा पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन कि टेनिस में इंडिया को पहला मेडल कब मिला तो टेनिस में इंडिया को पहला मेडल दिलाने वाले व्यक्ति पर्सन कौन है लियेंडर पेस है किस ओलंपिक में दिलाया था अटलांटा ओलंपिक में दिलाया था और कौन सा मेडल दिलाया था ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था कांस्य पदक अगला बोले तो कुश्ती में कुश्ती में किसने दिलाया है पहला पर्सन कौन है केडी डी यादव है कुश्ती में कौन है केडी जादव हैं है और कौन सा मेडल जिलाया है गोल्ड मेडल है वेट लिफ्टिंग में बात करें वेट में कौन है कर्णम मल्लेश्वरी है वेट लिफ्टिंग में कौन है कर्णम मल्लेश्वरी है जो कि भारत में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला भी हमें देखने को मिलती है सिडनी ओलंपिक में दिलाया था और किसमें वेट लिफ्टिंग में वेट लिफ्टिंग में णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हमें दिलाया नेक्स्ट 2004 के एथेंस ओलंपिक की बात कर ले 2000 में अब देखिए अब मेडल आना चालू हो जाएंगे मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक 2000, एथेंस ओलंपिक जहां से ओलंपिक शुरू ही हुआ था वहां पर भी झंडे गाड़े हमने राजवर्धन सिंह राठौर राजवर्धन सिंह राठौर जो मेजर हुआ करते थे सेना के हुआ करते थे इन्होंने किसमें शूटिंग में निशानेबाजी में सिल्वर मेडल दिलाया शूटिंग में निशानेबाजी में कौन सा सिल्वर मेडल दिलाया 2004 में मेजर राजवर्धन सिंह राठौर ने लिएंडर थलपेस टेनिस कर्णम मल्लेश्वरी वेट इसके अलावा बात की जाए केडी जाधव कुश्ती रेसलिंग ठीक मेजर राजवर्धन सिंह राठौर किस में है शूटिंग में है निशानेबाजी में है आगे बढ़े नेक्स्ट पर चलते हैं अगला मेडल ट्वेंटी नाइन्थ ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक ट्वेंटी नाइन्थ ओलंपिक जो हुआ था बीजिंग ओलंपिक चीन में भारत ने टोट तो, क्या क्या था पचासवें प्लेस पर रहा था फिफ्टी प्लेस पर रहा था इसमें अगर बात की जाए तो इंडिया ने टोटल तीन मेडल जीते थे बीजिंग ओलंपिक में टोटल कितने तीन मेडल जीते थे एक गोल्ड जीता और दो ब्रॉन्ज जीते ठीक कौन से प्लेस पर रहा था बीजिंग ओलंपिक में फिफ्टी प्लेस पर रहा था जिसमें टोटल तीन मेडल इंडिया ने विन किए थे एक गोल्ड था और दो क्या हुआ करते थे ब्रॉन्ज हुआ करते थे ये देखिए बेटा यूपी पुलिस के लिए स्पेशल बैच आपका चलाया जा रहा है दस जनवरी से कहां पर माइराइजिंग राइजिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर जिसमें सुबह सात से आठ बजे के बीच में जीके जीएस की क्लास जो भी यूपी में सिलेक्ट होने का सपना देख रहे हैं ना उनके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गेम से तो क्वेश्चन आते ही हैं तो सुबह सात से आठ सुबह सात से आठ सर नींद आ रही है क्या करें बेटा बिस्तर में से उठ जाओ नींद आ रही है तो बिस्तर में पड़े पड़े रहोगे तो तैयारी नहीं होने वाली है बाबू कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है है ना शाम को सात से आठ बजे बात करें तो रीजनिंग की क्लास चलाई जाती है सुबह ग्यारह बजे बात करें तो बी एस सर आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आती है और पांच से छह बजे अभिषेक सर आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास को लेकर आते हैं

स्क्रीनिंग के कुछ टॉपिक्स को छांटकर लेकर आए हैं जिससे कि आपकी मेहनत पर कहीं पानी ना फेर पाए जब जीडी के उन टॉपिकों को बार बार पे कवर करोगे तो भैया कौन है जो जीडी में आपको रोक लेगा और जीडी और स्क्रीनिंग को फोड़ दोगे तो फिर बेटा क्या बात है क्या कहने हैं? और यह तैयारी एक दिन में नहीं होती है रेगुलरिटी से करनी पड़ती है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थल पेस आ गए हैं हमारे पास लिएंडर पेस आ गए हैं टेनिस में राजवर्धन सिंह राठौर आ गए हैं हमारे पास शूटिंग में कर्णम मल्लेश्वरी जी आ चुकी हैं वेट लिफ्टिंग में इसके आगे और चले तो चंडीगढ़ में एक पर्सन हमें देखने को मिलते हैं अभिनव बिंद्रा अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की दस मीटर एयर राइफल में 2008 में स्वर्ण पदक जीता और स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता 2008 बीजिंग ओलंपिक में किसने अभिनव बिंद्रा ने और इन्होंने चीन के चीन और फिनलैंड इन दोनों के प्लेयर्स को पीछे छोड़ा था तो पूछा जा सकता है कि अभिनव बिंद्रा ने किन दो प्लेयर्स के को पीछे छोड़ते हुए यानी सेकंड और थर्ड प्लेस पर कौन था तो सेकंड प्लेस पर चाइना और थर्ड प्लेस पर कौन हुआ करता था फिनलैंड हुआ करता था तो अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में क्या जीता था एयर राइफल स्पर्धा किस में किसमें एयर राइफल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जिताया नेक्स्ट चलते हैं अगला दिल्ली के सुशील कुमार सुशील कुमार हमें देखने को मिलते हैं कुश्ती से देखने को मिलते हैं किससे कुश्ती से कर्णम मल्लेश्वरी भी हमारे पास रेसलिंग वेट लिफ्टिंग में है ये कुश्ती से देखने को मिलते हैं जैसे कि अगर बात की जाए केडी डी यादव के जैसे तो के डी यादव के दौरान ही आगे बढ़े तो कौन आते हैं सुशील कुमार सुशील कुमार ने फिर से कुश्ती में मेडल दिलवाया ठीक सुशील कुमार ने दिल्ली में कुश्ती में फिर से मेडल दिलवाया और ये जो पर्सन आते हैं रेलवे से आए थे किससे आए थे रेलवे के हुआ करते थे दिल्ली के सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम वर्ग में 2008 में ही बीजिंग ओलंपिक में क्या जीता मेडल जीता फ्री स्टाइल अगला चलते हैं बिजेंदर सिंह बिजेंदर सिंह हरियाणा के हैं भिवानी के हैं विजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी में पदक जीता यानी कि क्या कहा जाए तो हमारे पास बॉक्सिंग में बिजेंदर सिंह ने क्या बॉक्सिंग में पदक जीता और क्या जीता था इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो अभिनव बिंद्रा आ जाते हैं सुशील कुमार आ जाते हैं विजेंद्र सिंह आ जाते हैं कर्णम मल्लेश्वरी आ जाती हैं लियेंडर पेस आ जाते हैं के डी आ जाते हैं मेजर राजवर्धन सिंह राठौर आ जाते हैं सारे के सारे ओलंपिक मेडलिस्ट हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं नेक्स्ट चलते हैं आगे रियो ओलंपिक 2016 में भारत का प्लेस क्या रहा सिक्सटी सेवंथ रहा 2016 में रियो ओलंपिक की अगर बात की जाए तो रियो ओलंपिक में इंडिया का जो प्लेस रहा था वो कौन सा रहा था सिक्सटी सेवंथ रहा था इसमें दो मेडल हमें मिले एक आती हैं साक्षी मलिक जो के किससे आ जाती हैं कुश्ती से आ जाती हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन से तो रियो ओलंपिक में हमें क्या मिले दो मेडल मिले एक तो साक्षी मलिक जी का मिला और दूसरा पीवी सिंधु का साक्षी मलिक किससे आ जाती है रेसलिंग से कुश्ती से आ जाती हैं और पीवी सिंधु किससे आ जाती है हमारे पास बैडमिंटन से साक्षी मलिक को क्या मिला ब्रॉन्ज मिला था और पी सिंधु को कौन सा मिला था सिल्वर मिला था ठीक नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसको करेंट वाले टॉपिक से बी एस सर जुड़वाएंगे आपसे है ना आगे बात की जाए तो अब हॉकी को हमने माना है अपना नेशनल गेम तो हॉकी के बारे में चर्चा करते हैं कि हॉकी में किस तरीके से हमने क्या एक्टिविटीज की हैं बढ़ते हैं हॉकी के बारे में हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है बिल्कुल है भैया आठ बार गोल्ड मेडल जीता है तो नेशनल तो बनाना ही था है ना एट टाइम गोल्ड मेडल जीता है तो हॉकी क्या है राष्ट्रीय खेल इंडिया का अब देखिएगा एक चीज और है ये जो राष्ट्रीय खेल है जितने भी हमारे पास नेशनल साइन डिनोट होते हैं चाहे वह राष्ट्रीय कैलेंडर हो पंचांग हो शक संबंध से आधारित है राष्ट्रीय ध्वज हो राष्ट्रगान हो राष्ट्रीय वाक्य हो राष्ट्रीय प्रतीक हो ये जितने भी साइन आ जाते हैं वो सारे के सारे प्रतीक चिन्ह सारे के सारे साइन को अप्रूव करता है होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय कौन अप्रूव करता है होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय अप्रूव करता है ये पूछा जाता है ध्यान रखना होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय भारत के राष्ट्रीय साइनों को प्रतीक चिन्हों को अप्रूव करता है और इसी के अनुसार इसी ने अप्रूव किया है क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है हॉकी है एक चीज और क्रिकेट को बनाओ अब अरे भाई साहब काहे क्रिकेट को बनाए इंग्लैंड का भी है ऑस्ट्रेलिया का भी है क्रिकेट नेशनल तो इतना क्रिकेट से क्या लगाव एक बॉल के पीछे ग्यारह के ग्यारह आदमी पड़े रहते हैं क्या क्या खेल है है ना हालांकि अच्छा खेल है चलिए है ना तो हॉकी के बारे में अगर चर्चा की जाए अच्छा एक चीज और बता रहा था भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है नेशनल लैंग्वेज नहीं है ध्यान रखना राष्ट्रीय भाषा जो है इंडिया की वो कोई भी नहीं है ठीक बोलोगे सर फिर हिंदी हिंदी जो है वो राजकीय भाषा है इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सारी की सारी लैंग्वेज को सारी की सारी भाषाओं को समान महत्व तो दिया है हिंदी जो हम बोल जाते हैं राष्ट्रीय भाषा वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है राजकीय भाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज है तो ये ध्यान रखने वाली बात थी आगे बढ़ते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है हॉकी है हालांकि हॉकी का जो जन्मदाता माना जाता है वो नॉर्मली इंडिया को ही माना जाता है लेकिन जो प्रेजेंट के हॉकी का खेल जो माना जाता है वर्तमान आधुनिक हॉकी की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी ठीक आधुनिक हॉकी की शुरुआत कहां पर हुई थी इंग्लैंड में हुई थी इसके अलावा इसके अलावा पर्शिया एक जगह पड़ती है फारस पर्शिया फारस फारस में हॉकी से ही मिलता जुलता एक गेम हमें देखने को मिलता था और जिसके प्रूफ मिले हैं 2500 एडी वो बीसी 2500 ईसा पूर्व के हमें एंशियन प्रूफ मिले हैं पर्शिया में फारस में और पर्शिया से फारस से होते हुए ये सेंट्रल एशिया आया सेंट्रल एशिया से इंडिया आया ऐसा माना जाता है लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है हॉकी का और प्रेजेंट जो रूप है वो किसने दिया है इंग्लैंड ने तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी आधुनिक जो दिया है इंग्लैंड ने दिया है और मिलता जुलता खेल सबसे पहले प्रूफ कहां पर मिले हैं पर्शिया में फारस में हमें देखने को मिलते हैं पहला हॉकी का अंतरराष्ट्रीय मैच जो हुआ था पहला हॉकी का इंटरनेशनल मैच हुआ था 1895 26 जून रॉयल में रॉयल में हुआ था वेल्स और आयरलैंड के बीच ठीक पहला हॉकी का मैच हुआ था फर्स्ट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मैच हुआ था वेल्स और आयरलैंड के बीच में इसके बाद हॉकी के सर्वोच्च विश्व संस्था की स्थापना फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी के नाम से सबसे बड़ी संस्था कौन सी फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी के नाम से 1884 में की गई अठारह में की गई 1971 में हॉकी का पहला विश्व कप खेला गया बार्सिलोना में पहला विश्व कप कब कहां खेला गया हॉकी का बार्सिलोना में बोला सर इससे पहले वर्ल्ड कप नहीं इससे पहले ओलंपिक में हुआ करती थी हॉकी बाद में जब इसका प्रचलन बढ़ा और यह तेजी से बढ़ना चालू हुआ तो इसका भी वर्ल्ड कप अरेंज किया गया बार्सिलोना में फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला गया था ओलंपिक में आठ बार हॉकी में गोल्ड मेडल है नेक्स्ट बात करें तो हॉकी का जो मैदान होता है उसका जो साइज अगर देख लिया जाए तो हॉकी के मैदान का जो साइज होता है इसकी लेंथ होती है 99 मीटर अप्रोक्सीमेट अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो 99.44 मीटर 99.44 मीटर इसकी लेंथ होती है और जिसकी विड्थ होती है वो कितनी होती है 50 से 55 मीटर होती है यानी कि हॉकी का जो ग्राउंड होता है वो कैसा होता है आयताकार होता है कैसा होता है हॉकी का ग्राउंड आयताकार होता है रेक्टेंगुलर होता है लेंथ इसकी 99.44 मीटर और वेथ इसकी होती और कितनी होती है 50 मीटर यानी लंबाई 99 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है 50 मीटर होती है हॉकी की जो गेंद होती है उसका वजन हमारे पास 155 से एक ग्राम देखने को मिलता है कितना देखने को मिलता है 155 ग्राम से एक ग्राम देखने को मिलता है हॉकी का वजन हॉकी का वजन मतलब हॉकी की गेंद का वजन गेंद ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो उसी को पुट, उसी की बैंड बजाते हैं स्टिक तो अपने हाथ में रहती है लगे गेंद में बेचारी सोचती होगी जो टोटल प्लेयर होते हैं हॉकी में वो कितने होते हैं ग्यारह प्लेयर होते हैं ग्यारह खिलाड़ी होते हैं हॉकी के कितने ग्यारह खिलाड़ी होते हैं और सरकमफेरेंस ऑफ द यानी गेंद की जो परिधि होती है सरकमफेरेंस परिधि वो कितनी होती है 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर होती है इसकी सरकमफेरेंस तो हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है 99 मीटर चौड़ाई 50 से 55 मीटर के बीच में वजन गेंद का 155 से 163 ग्राम और सरकमफेरेंस की बात की जाए तो 22 सेंटीमीटर होती है ओके आगे बढ़ते हैं इसके मेन जो शब्दावली की बात कर ली जाए की टर्म की बात पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से टर्म्स हमारे पास कौन कौन से खेल से रिलेटेड देखने को मिलते हैं सेंटर फॉरवर्ड पहला क्या आता है सेंटर फॉरवर्ड सेंटर फॉरवर्ड किससे रिलेटेड है हॉकी से रिलेटेड है पेनल्टी स्ट्रोक पेनल्टी स्ट्रोक किससे रिलेटेड है हॉकी से रिलेटेड है राइट बैंक राइट बैक किससे रिलेटेड है हॉकी से आउटसाइड राइट आउटसाइड राइट हॉकी से सेंटर फॉरवर्ड पेनल्टी स्ट्रोक राइट बैक आउटसाइड राइट किससे हॉकी से स्कूप गोल स्कूप गोल टाई ब्रेकर सडन डेथ बुली पुश इन कॉर्नर साइड लाइन सेंटर हॉफ शूटिंग सर्किल ये सारे के सारे वर्ड किससे रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं हॉकी से एक बार फिर से सेंटर फॉरवर्ड आ गया सेंटर फॉरवर्ड के हाथ पेनल्टी स्ट्रोक, राइट बैक आउटसाइड लाइन स्कूप गोल ट्राइबर सडन डेथ बुली पुश कॉर्नर साइड लाइन सेंटर हॉफ, शूटिंग ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है हॉकी से तो इसीलिए ये वर्ड पूछ लिए जाते हैं कि ये वर्ड किससे रिलेटेड है ठीक ये वर्ड किससे रिलेटेड है देखिए कई गेम्स हैं जो कि हमें कुछ वर्ड हमें एग्जैक्ट दूसरे गेम्स में भी देखने को मिलेंगे दूसरे में भी देखने को मिलेंगे जैसे सेंटर क्रिकेट में भी आता है ड है वो क्रिकेट में भी देखने को मिलता है तो कई खेलों में हमें एक जैसे भी वर्ड देखने को मिलेंगे लेकिन ऑप्शन में उस टाइम पर पहचानना होगा क्योंकि ऑप्शन में जो चार गेम दिए होंगे वो चारों में अलग अलग खेल दिए होंगे और जो वर्ड ऊपर दिया होगा वो वर्ड उन गेमों में से किसी एक ही गेम में यूज होता होगा है ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पूर्व एवं वर्तमान खिलाड़ियों की बात कर ले इनके मैन मैन कौन से खिलाड़ी देखने को मिलते हैं परगट सिंह ध्यानचंद इस्लाहुद्दीन, रिचर्ड चार्ल्स बर्थ युवराज सिंह अजीत पाल सिंह पाल पृथ्वी पाल, बलविंदर सिंह अलसम शेख खान धनराज पिल्ले केडी बाबू डेरिल डिसूजा अतीस इद्रेस जेम्स इलेयर शकील अहमद राजेंद्र सिंह शंकर लक्ष्मण ये शंकर लक्ष्मण जो होते थे गोलकीपर हुआ करते थे इनका जो टाइटल था इन्हें गोली कहा जाता था शंकर लक्ष्मण का टाइटल क्या हुआ करता था गोली हुआ करता था ठीक इसके अलावा ममता खबर कुमारी रेखा मुडपन शाहिद मोहम्मद मोहिंदर पाल सियोंग टी सोंग विक्टर पलोल जेवियर अनोड बाबर अब्दुल्ला सारे के सारे प्लेयर हमारे पास हॉकी से देखने को मिलते हैं इसके अलावा एक और है ध्यानचंद के अलावा रूप सिंह ये भी हॉकी से ही थे है ना तो सबसे मेन देखना है हमें ध्यान रखना है ध्यानचंद जी का इस्लाउद्दीन जी का असलम शंकर लक्ष्मण का ठीक इसके अलावा ध्यान रखना है असलम शेर खान का धनराज पिल्ले ये क्वेश्चन में आ जाते हैं हमारे पास इनका नाम स्पेशली ध्यान रखना है नेक्स्ट चलते हैं अगला आता है फुटबॉल फुटबॉल के बारे में चर्चा की जाए तो फुटबॉल विश्व का सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल देखने को मिलता है सबसे पॉपुलर गेम है फुटबॉल सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है जो आप क्रिकेट क्रिकेट चिल्लाते हो ना थोड़ा सा इंडिया से बाहर निकलो फुटबॉल का एक अलग ही हमें देखने को मिलता है फीफा वर्ल्ड कप आपने सुना होगा फुटबॉल का बहुत बड़ा वर्ल्ड कप होता है एक तरीके से कहा जाए तो ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड कप हमें फुटबॉल का ही फीफा वर्ल्ड कप देखने को मिलता है और वर्ल्ड की ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है प्रयास इंडिया की तरफ से भी किए गए थे लेकिन इतना अपर लेवल पर इतना हाई लेवल पर हम फुटबॉल को अभी प्रमोट नहीं कर पाए हैं बिल्कुल मैसी मैराडोना हाँ फुटबॉल के प्लेयर देखने को मिलते हैं क्लियर चलिए बढ़ते हैं हम फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड है हॉकी इंग्लैंड मॉडर्न हॉकी और फुटबॉल भी का है इंग्लैंड है क्रिकेट भी इंग्लैंड है है ना क्योंकि इंग्लैंड ही तो वो देश रहा है जिसने पूरे वर्ल्ड पर कब्जा किया है तो फुटबॉल का जन्मदाता कौन देखने को मिलता है हमें इंग्लैंड देखने को मिलता है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा एसोसिएशन है कौन सा है फीफा एसोसिएशन द इंटरनेशनल फुटबॉल बॉडी द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन कहा जाता है फीफा एसोसिएशन <laughs> ठीक इसका मुख्यालय कहां पर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है फीफा मुस्का... फीफा का मुख्यालय कहां पर है फ्रांस की राजधानी हमें पेरिस में देखने को मिलता है चलिए कोई बात नहीं है सही कह रहे हो बेटा समय हो चुका है इसके आगे फुटबॉल से ही कल हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है फुटबॉल से ही दोबारा से स्टार्ट करेंगे लेकिन अभी भी इसमें कोई डाउट रह गया हो तो उस ड्यूरेशन में आप मुझसे सेवन थ्री फाइव डबल सेवन डबल जीरो फोर जीरो नाइन पर कॉल करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो मंडे टू सैटरडे इसके साथ साथ प्रैक्टिस जो कराई जाएगी आपको वो कहाँ पर माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर कराई जाएगी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ओपन करना डाउनलोड करना कृष्णा लाइव और कृष्णा पी दो बैचेस देखने को मिलेंगे कृष्णा पी बैच में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मटेरियल और लाइव बैच में क्या है इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी दोपहर में एक बजे तो प्रैक्टिस करने के दौरान कूद पड़ना फोड़ देना चलिए इसी के साथ विदा लेता हूं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत